नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो पोवा न्यू वर्सेस Xiaomi Redmi Note 11S का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो पोवा न्यू में 6.74 इंच जबकि Redmi Note 11S में 6.29 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि पोवा न्यू से कम है। विड्थ की बात करें तो पोवा न्यू में 3.04 इंच जबकि Redmi Note 11S में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि पोवा न्यू से कम है। बात करें थिकनेस की तो पोवा न्यू में 0.36 इंच जबकि Redmi Note 11S में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो पोवा न्यू में 212 ग्राम्स जबकि Redmi Note 11S में 179 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो पोवा न्यू में XLCD जबकि Redmi Note 11S में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो पोवा न्यू में 20:5:9 जबकि Redmi Note 11S में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो पोवा न्यू में 6.8 इंचेस जबकि Redmi Note 11S में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन पोवा न्यू में 720x1640 और Redmi Note 11S में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो पोवा न्यू में 83.16% जबकि Redmi Note 11S में 84.64% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो पोवा न्यू में 263 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Redmi Note 11S में 409 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो पोवा न्यू में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, सेकंड कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और Redmi Note 11S की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो पोवा न्यू में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Redmi Note 11S की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो पोवा न्यू में पावर GE8320 जबकि Redmi Note 11S में माली G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो पोवा न्यू में MediaTek Helio G25 और Redmi Note 11S में MediaTek Helio G96 मिलता है। बात करें RAM की तो पोवा न्यू में 6GB की RAM मिलती है जबकि Redmi Note 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो पोवा न्यू में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Redmi Note 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो पोवा न्यू में अप टू 512GB जबकि Redmi Note 11S में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी पोवा न्यू में 6000mAh जबकि Redmi Note 11S में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो पोवा न्यू में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 13,780 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Redmi Note 11S की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,499 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 18,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो टेक्नो पोवर नियो में 7 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें शाओमी रेडमी नोट 11S की तो उसमें 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में रेडमी नोट 11S आगे है, मेन कैमरा में रेडमी नोट 11S आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में रेडमी नोट 11S आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाओमी रेडमी नोट 10 प्रो है, दूसरा रियलमी 7 है, तीसरा रियलमी 7 प्रो है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें इन्फिनिक्स 08i है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।